तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जासे। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी सेंटेंस में हमको कहना होता है कि बात यह है कि अगर सेंटेंस में हमें ऐसा कहना हो तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज डैट, द पॉइंट इज डैट, बात यह है कि। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया कि सोचने वाली बात यह है कि यहाँ काम कैसे किया जा सकता था। देखिए इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, यहाँ भी सेंटेंस में आया है बात यह है कि, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग द पॉइंट इज डैट का यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि का लिख लेते हैं, द पॉइंट इज डैट, द पॉइंट इज डैट, द पॉइंट इज यहाँ पे डैट को रहने देते, इसलिए कि यहाँ पे वाला है वाली है सेंटेंस में। आप देख सकते हैं कि सोचने वाली बात है, तो वाला है वाली है के लिए आपको पता है कि वहाँ पे हम लोग इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पॉइंट इज है मतलब कि सोचने वाली बात है, तो उसके साथ इज लगेगा ही। तो द पॉइंट इज टू थिंक, ठीक है, वाला है यानी सोचने वाली बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है। द पॉइंट इज टू थिंक की, तो उसके लिए फिर हम डैट का यूज़ करेंगे। तो पॉइंट इज टू थिंक डैट, सोचने वाली बात यह है कि, इतना का ट्रांसलेशन हुई है। उसके बाद देखते हैं कि यह काम कैसे किया जा सकता था, ठीक है, यह काम कैसे किया जा सकता था। तो देखिए इस तरह से तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ट्रांसलेट करना, हाउ दिस वर्क माइट बी डन, यह काम कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, द पॉइंट इज टू थिंक डैट हाउ दिस वर्क माइट बी डन। चलिए एक और सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। एग्जांपल टू, अगर सेंटेंस में ऐसा हमें कहना हो कि काम की बात यह है कि हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसका या उन लोगों का साथ देना चाहिए, कुछ भी हो अगर सेंटेंस में, हमें उसका साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। देखिए इस तरह के सेंटेंस को हमको कैसे ट्रांसलेट करना है, बिना सोचे समझे। तो यहाँ भी सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ भी सेंटेंस में क्या आया, बात यह है कि, ठीक है, बात यह है कि। तो पॉइंट इज डेट का हम लोग को यूज़ करना है इस तरह के सेंटेंस में। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो देखते हैं, बात यह है कि द पॉइंट किसका, बात यह है किसका, काम का बात। तो जब भी किसी एक्शन का यहाँ पे बात हो तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे काम है तो उसके लिए ऑफ वर्क, ऑफ वर्क हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ वर्क इज डैट, ठीक है। काम की बात यह है कि हमें उसका साथ देना चाहिए, वी शुड सपोर्ट हिम, हमें उसका साथ देना चाहिए बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग एनी मोर, बिना सोचे समझे। तो इस तरह से सेंटेंस का आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे बेसिक आपको याद रखना होगा, बेसिक आपका ये है कि द पॉइंट इज डैट का यूज़ करना है इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, जब भी सेंटेंस में हमें कहना हो कि बात यह है कि। तो आपका बहुत सारा सेंटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप इजीली उस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।